भाकपा माले अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य व्यापी आह्वान पर जिला प्रभारी रोहिताश कुमार राजपूत के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में कहा गया कि विगत दिनों लखीमपुर खीरी में किसानों के आंदोलन को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की गहरी साजिश के तहत उनके इशारे पर उनके पुत्र द्वारा गाड़ी से किसानों की कुचल कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस मामले में SIT की जाँच कराई गई तो स्पष्ट हुआ कि हत्या गहरी साजिश के तहत हुई थी, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री दोषी हैं। दूसरी तरफ पत्रकार ने जब अजय मिश्रा टेनी से सवाल जवाब पूछे तो उन्होंने अपने पद की गरिमा को भी तार तार करते हुए उन्होंने पत्रकारों से गाली गलौज कर व मारपीट कर उनसे अभद्र व्यवहार किया। ज्ञापन के माध्यम से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने यह मांग की है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, अजय मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, पत्रकारों पर हमला करने अभद्रता करने के जुर्म में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद आलम, विजय कुमार शर्मा, राजेश कुमार, मोहम्मद आलम, PS सहगल, वचन सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। नाम आपका? रोहताश कुमार राज। किस मामले में आपने ज्ञापन दिया? आज हमारा ये राज्यव्यापी प्रदर्शन है अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की तरफ से। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे थे, एक साजिश के तहत उन आंदोलनकारी किसानों की हत्या अजय मिश्र टोनी, जो केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं, उनके बेटे ने की, और इसमें केंद्रीय मंत्री की भूमिका अहम रही है। SIT की जांच में स्पष्ट हो गया है, तो हम मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि अजय मिश्र टोनी को तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि SIT की रिपोर्ट में सब स्पष्ट हो गया है। दूसरी घटना, उन्होंने पत्रकारों ने जब जवाब और सवाल उनसे किए तो टैनी ने उन पत्रकारों पर भी हमला किया और गाली गलौज की, अभद्र व्यवहार किया, तो ऐसे मंत्री को बने रहने का कोई हक नहीं है केंद्र सरकार में। तत्काल उसकी बर्खास्त की मांग को लेकर हम महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर आए।